हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है, सोचा आप सभी से शेयर कर दूं। जानकारी ये दोस्तों कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अर्जुन रामपाल को एक फिल्म के लिए साइन की है। ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि रेड चिलीज अर्जुन रामपाल को वापस लेके आ रही है। अर्जुन रामपाल कौन है तो आपको बता दूँ कि रावण में शाहरुख खान के साथ विलेन प्ले किया था, रावण प्ले किया था, ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ विलेन प्ले किया था, और भी कुछ फिल्में डॉन में थे, बहुत सारी फिल्में रेड चिलीज़ के लिए कर चुके हैं, रेड चिलीज़ के प्रोडक्शन हाउस की फिल्में भी कर चुके हैं। एक फिल्म थी वीआर फैमिली ऐसे कुछ करके, लेकिन उसके बाद खान साहब और अर्जुन रामपाल के बीच दरारें पैदा हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, अर्जुन रामपाल के पास कहीं ना कहीं उतने पैसे इस वक्त पे नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर पाए। बहुत हालात वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत ख़राब वक्त से गुजर रहे हैं। अर्जुन रामपाल बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत हैंडसम भी हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से बड़ी फिल्मों से दूरी बना लिया है, कोई फिल्में इन्हें ऑफर करता नहीं है। लेकिन अभी पता जो चल रहा है ना, रेड चिलीज़ के अंदर से ये बात पता चला है कि अर्जुन रामपाल को शाइन किया है रेड चिलीज़ ने। अब ये वहाँ से बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि रेड चिलीज़ की कौन सी फिल्म, क्या रेड चिलीज़ की आने वाली किंग फिल्म के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि किंग फिल्म का मेन विलेन अर्जुन रामपाल को नहीं बनाया जा सकता, मेन विलेन कोई और होगा, लेकिन एक विलेन से थोड़ी काम चलेगा, तीन चार विलेन होना चाहिए ना, या फिर दोस्त का भी रोल हो सकता है, या फिर किसी और तरह का रोल हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि रेड चिलीज़ ने अर्जुन रामपाल को साइन किया है अपनी एक फिल्म के लिए। तो रेड चिलीज़ की अगली फिल्म तो किंग ही है भाई, इसके अलावा अगर कोई वेब सीरीज है, कोई फिल्म है, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि भाई वहाँ से ये बातें क्यों बताई जा रही है। क्या कोई वेब सीरीज के लिए साइन किया है, किसी और फिल्म के लिए साइन किया है, किंग के लिए साइन किया है, मैं 100% आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर रेड चिलीज ने साइन किया है तो चांसेस है 50% भी कि हो सकता है कि किंग फिल्म के लिए अर्जुन रामपाल को साइन किया है रेड चिलीज ने। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि रेड चिलीज की वो कौन सी फिल्म होगी, किंग में क्या अर्जुन रामपाल फिट बैठते हैं किसी तरह का रोल के लिए आपको लगता है, तो कमेंट करके बताएं। और देखते रहें FF News, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।